हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम पहले ही बता दिए थे कि जनरल साइंस से टोटल 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से हैं। अभी हम लोग पहले फिजिक्स का डिस्कशन करें, फिजिक्स के बाद बायो का किया जाएगा। फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी का डिस्कशन किया जा रहा है, जो बहुत ही VVI माना जाता है। वर्क पावर एनर्जी से या तो टेक्निकल एग्ज़ाम हो या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम लोग आज वर्क पावर एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। सेट पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर यह सेट PDF के रूप में चाहिए तो 7725899110 पर WhatsApp से कमेंट करिए, यह सेट PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, आपको PDF के रूप में यह सेट आपको मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है, ऑप्शन को पढ़िए। ए में है ऊर्जा, बी में है शक्ति, सी में है कार्य। तो कार्य होगा बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी W=FS होता है। F जो होता है बल होता है, IS जो होता है विस्थापन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन के पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है, बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल तथा विस्थापन का गुणनफल है, तो कौन सी राशि होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सदिश राशि नहीं, अदिश राशि होगा। 2 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखिएगा, तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल के दिशा में विस्थापन की जाती है। यानी किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और वह विस्थापित होगा, तो उस किया गया कार्य जो होता है वह धनात्मक होता है। तो किस दिशा में, विपरीत दिशा में कि दिशा में। तो 3 का ऑप्शन देखिएगा, विपरीत में नहीं, दिशा में होगा। यानी जिस दिशा की ओर हम धकेल रहे हैं या बल लगा रहे हैं, उस दिशा में होगा, तो धनात्मक माना जाता है, अर्थात 3 का बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्य का व्यंजक क्या होता है। तो कार्य का व्यंजक आपको W=FS भी होता है, या W=FS cos थीटा भी होता है। अगर एंगल पर काम करता है तो cos थीटा लगाइएगा, और बिना एंगल पर काम करता है तो W=FS लगाइएगा, अर्थात 4 का डी आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक, ऑप्शन पर ये वाट नहीं, जूल, जूल होता है। 5 का बी होगा। 6 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन तक आ रहा है, 1 जूल बराबर होता है, तो ऑप्शन पर ये 1 न्यूटन बाई 1 मीटर नहीं, 1 मीटर बाई 1 न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन × 1 मीटर होता है, अर्थात 6 का सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 6 का सी होगा। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है। यानी कह रहा है कि एक पत्थर को धागे में लपेट कर वृत्ताकार घुमाया जाता है, तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन पर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो क्या होगा, शून्य होगा। 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होता है, अर्थात 8 का बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है तो कार्य का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है तो कार्य का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। वहाँ पर कार्य कोई नहीं होता है, कार्य का मान शून्य होगा। 9 का सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में कार्य करता है, जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो उस समय कार्य ऋणात्मक होता है। उस समय कार्य क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है, अर्थात 10 का बी होगा। 11 नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहे हैं, बल द्वारा संपादित कार्य महत्तम कब होता है। बल द्वारा संपादित कार्य महत्तम कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री में आपको महत्तम होता है, 90 डिग्री में
शून्य होता है, तो क्या होगा, 11 का ए होगा। 12 नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है जब एक डाइन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर की दूरी तक दूरी तय करवा दे तो उसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 12 का सी होगा, उसे अर्घ कहा जाता है। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखिएगा, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करता है तो बल द्वारा संपादित कार्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। W इजकल टू क्या होता है, एफ एस होता है, एफ का मान 20 न्यूटन और एस का मान 2, तो 20 दूनी 40 जूल होगा, 13 का ए होगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 200 जूल कार्य करने पर वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है तब बल का मान क्या होगा। W इजकल टू एफ एस होता है, तो W का मान दिया हुआ है, S का मान दिया हुआ है और आप F का मान निकाल लीजिएगा तो आपको आपको 20 न्यूटन आएगा सही आंसर, यानी कि 14 का बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है, एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है, यह बल वस्तु को क्षैतिज दिशा में 4 मीटर विस्थापित करता है, यदि बल की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो कुल संपादित कार्य की गणना क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़िएगा, 50 जूल नहीं, 100 जूल नहीं, 150 जूल नहीं, 200 जूल होगा। 15 का डी अगर नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइएगा, आपको यह सेट न्यूमेरिकल लाइव क्लासेस के माध्यम से न्यूमेरिकल बनाकर बताया जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 90 केजी को खींचकर 10.6 मीटर तक ले जाता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। इसको भी बनाइएगा तो 954 जूल होगा, 16 का ए। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर ऊंची चढ़ने के लिए 70 केजी भार के व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा, नहीं बनेगा लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा। 17 का ए आएगा, 5493.6 जूल आएगा, 17 का ए। 18 देखिएगा, 50 न्यूटन मीटर का एक कार्य किया गया, इस कार्य की राशि जे में क्या होगी। 18 में देखिएगा तो आंसर मिलाइएगा तो 50 जूल आएगा, 18 का ए। 19 अगर क्वेश्चन देखिएगा, 2500 न्यूटन के एक बल के साथ क्रेन द्वारा 20 मीटर की ऊंचाई तक भार उठाने के लिए कितना कार्य डब्लू किया जाएगा, तो 19 का बनाइएगा तो डी आएगा, 5000 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा। 20 क्वेश्चन कह रहा है, 30 मीटर मिनट में एक पंप 50 मीटर की गहराई से 3000 केजी पानी निकालता है, पंप द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या होगा। तो 20 का ए होगा, 83.3 केजी मीटर पर सेकंड। यह सब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, नहीं बनेगा आप लाइव कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो कैसे बताया जाएगा। और यह आपको मैं बता दूं, यह एक प्रकार का ऐसा वर्क पावर एनर्जी का सेट है जिसमें 80% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल तो जो निकाला हुआ है वह सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इतना मेहनत करके आपके लिए यह सेट देते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर कुछ चैनल में कमी है या संशोधन करना है या आपका सुझाव कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ऐसा सर करिए, मैं आपके बातों को सुनूंगा और अच्छा लगेगा तो किया जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, 21 अगर देखते हैं, एक लड़का 20 न्यूटन का बल लगाकर एक खिलौना गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है
बल और विस्थापन के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो 21 का आंसर देखिएगा तो बी आएगा 50 जूल। एक बात और आपको बता दें कि यह सेट में जितने न्यूमेरिकल है, जो जो नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए, वह क्वेश्चन नंबर लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग पहले कमेंट करिए, जरूर बताया जाएगा, लेकिन वहाँ लिखिएगा कि यह 50 नंबर का सर न्यूमेरिकल नहीं बताया है, इसको बताइए, तो उसको आपको बताया जाएगा। 21 का बी आंसर होगा। 22 अगर देखिएगा, 1 जूल में होता है तो 1 जूल में आपको 10^7 अर्घ होता है। जूल एसआई मात्रक है, अर्घ सीजीएस मात्रक होता है। 23 कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। 23 का बी। 24 गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा ही दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि सी होगा। 25 कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो 25 का ए होगा, स्थितिज ऊर्जा। 26 नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो 26 का बी होगा, न्यूनतम होता है। 26 का बी होगा। 27 देखिएगा, तो एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य होता है, तो 27 का सी आंसर होगा, सी होगा, अर्थार्थ शून्य होगा। ठीक है, सी होगा, अर्थार्थ शून्य होगा। आप उसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कह रहा है, स्थिति ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होती है, और गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mvx स्क्वायर होता है। 28 का ए आंसर होगा। 22 आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होती है, जब इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा, तब उसके बाद रिप्लाई में आपको हम सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो है आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 30 का सी होगा। 31 गतिज ऊर्जा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो क्या होता है, 31 का डी होगा, यांत्रिक ऊर्जा। 32 अगर देखिएगा तो 32 में कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, तो नियत रहती है। 32 का सी होगा। 33 अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन पर आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाती है, ऑप्शन नंबर बी 1/4 रह जाती है, अर्थात 33 का बी होगा। 34 देखिएगा, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2 mvx स्क्वायर होता है, अर्थात 34 का डी होगा। 35 बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। 35 नंबर, तो देखिएगा, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका 56.25% कमी तो होगा ही नहीं, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है, तो कमी वाला ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा।
अब रहा सवाल बी होगा कि सी होगा, तो सी होगा 56.25% होगा, 56.25% होगा। बनाइएगा, नहीं बनेगा लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा पहले, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। 35 के बाद 36 अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी भरी घड़ी में ऑप्शन को पढ़िएगा, तो ए ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी में है यांत्रिक ऊर्जा और डी में है संचित ऊर्जा, तो बी होगा स्थितिज ऊर्जा होता है। अब उसके बाद 36 के बाद 37 में चलिएगा, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो 37 का आपको बी होगा स्थितिज ऊर्जा। 38 निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो आप चली हुई गोली, ये तो है, बहता हुआ पानी ये भी है, चलता हुआ हथौड़ा ये भी है, लेकिन खींचा हुआ धनुष वह गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी खींचा हुआ धनुष होगा। 38 का डी। 39 जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। 39 में करें, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो चौगुनी हो जाएगा, अर्थात 39 का बी होगा। 40 तो 40 क्वेश्चन आप बना के बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर को टाइप करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तब रिप्लाई में हम सही आपको आंसर बताएंगे। चलिए 41 के चलते हैं, तो झरने का पानी जैसे जैसे नीचे आता है तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, आपको ए होगा, 41 का ए होगा। उसके बाद देखिएगा 42 क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। 42 कह रहा है, यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो 42 का बी होगा, चौगुनी हो जाएगा। 43 जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, 43 का बी होगा, मध्यम की स्थिति में अधिकतम होता है, अर्थात 43 का बी होगा। 44 अगर क्वेश्चन देखिएगा, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो रेल इंजन का जो ज़्यादा भारी होगा उसी का संवेग अधिक होगा, क्योंकि संवेग बराबर एम भी होता है और भी दोनों का बराबर है और द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसी का संवेग अधिक होगा। 44 का बी होगा, रेल इंजन का। 45 अगर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्थात 45 का सी होगा। 46 विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो 46 का देखिएगा आंसर, तो बी होगा, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है, 46 का बी होगा। 47 अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान से कोई प्रभावित नहीं होता है, जितना गुना द्रव्यमान को करोगे उतना ही गुना गतिज ऊर्जा होगा, अर्थात दुगना ही होगा, अर्थात 47 का बी होगा। 48 क्वेश्चन देखिएगा, तो घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा नियत रहती है क्योंकि, ऑप्शन पर ये वेग नियत रहता है, द्रव्यमान नियत रहता है, वेग और द्रव्यमान दोनों नियत रहता है। 48 का सी होगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। 49 अगर क्वेश्चन अगर देखिएगा, तो छत पर दौड़ते हुए बालक में, ये भी सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो 49 का आपको स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसमें दोनों होता है, जब ऊंचाई पर कोई वस्तु को गति में करता है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, अर्थात 49 का सी होगा। 50 अगर देखिएगा, तो कह रहा है एक उड़ते हुए वायुयान में क्या होता है, तो एक उड़ते हुए ऑप्शन को पढ़िए, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, जब ऊंचाई पर हो और वो हम गति में हो तब वो ऐसे कंडीशन में दोनों ऊर्जा होती है, अर्थात 50 का सी होगा। 51 अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रक होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 51 का डी होगा, शून्य होता है, जब व्यक्ति कोई सर पर बोझ लिए हुए है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता, 51 का डी होगा। 52 अगर क्वेश्चन कह रहा है, 4 kg और 9 kg द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 ही होना चाहिए, 52 का डी, सॉरी 3:2 है, एक मिनट बताता हूं आपको, 4 kg 9 kg दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा, यहाँ बाई मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद 53 देखिएगा, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट का वृद्धि होते है, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो 44% का वृद्धि होगा, अर्थात 53 का ये होगा। 54 देखिएगा, तो डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनेमो आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अर्थात कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, 54 का सी। 55 आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गए, 55 का डी होगा, दोनों गति होगा, दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों होगा, अर्थात 55 का डी होगा। 56 कार्य करने की दर क्या कहलाता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात 56 का ए होगा। 57 शक्ति कौन सी राशि है, तो शक्ति अदिश राशि है। 58 निम्न में क्या सत्य है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में आजकल आने लगे हैं। 58 का एक वाट इजकल जो जूल पर सेकंड होता है, मैं ऐसे आपको बता दूं, जो वाट मात्रक होता है वह जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है, जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है, अर्थात 58 का ये होगा। 59 अगर देखिएगा, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति की इकाई वाट होती है, एक अश्व शक्ति बराबर 60 एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, अर्थात 60 का ये होगा। 61 अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो शक्ति का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का सीजीएस मात्रक होगा अर्घ प्रति सेकंड होगा, अर्थात 61 का सी होगा। 62 अगर क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति का डायमेंशन विमीय डायमेंशन विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको ML2T-3 होगा, 62 का ए होगा। 63 देखिएगा, तो 1 kW होता है, तो 1 kW आप ऑप्शन को पढ़िए, 100 J/s 10 J/s 1000 J/s होगा, 63 का सी होगा।
64 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10^6 जूल पर सेकेंड होता है। 64 का सी होगा। 65 अगर देखिएगा, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकेंड में किया गया हो तो समर्थ का मान क्या होगा, तो 65 का ए होगा 1 वाट होता है। 66 अगर देखिएगा, एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकेंड में 50 केजी पानी ऊपर खींचता है, तो इंजन की सामर्थ्य क्या होगा, तो 66 का बी होगा 25 वाट होगा। 67 एक मशीन 10 सेकेंड में 500 कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी, तो 67 का अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो बी होगा 50 वाट होगा। 68 का है, वाट घंटा मात्रक होता है, वाट घंटा अगर पावर में टाइम से गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। 68 का ए होगा। 69 1 किलोवाट मात्रक है, तो 1 किलो ऊर्जा का होता है, शक्ति का होगा, बल का होगा, तो शक्ति का होता है 1 किलोवाट, वाट सेकेंड, किलोवाट सब अगर आपको, तो वह वाट का ही मात्रक कहलाता है। 70 क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है, एक एथलीट जिसका द्रव्यमान 60 kg है 10 मीटर ऊंचाई की सीढ़ी पर 30 सेकेंड में चढ़ जाता है, तो उस एथलीट की शक्ति क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 70 का सी होगा 200 वाट। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया जाएगा। 71 अगर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है कि एक इंजन 500 जूल प्रति मिनट ऊर्जा प्रदान करती है, तो वाट में उस इंजन की शक्ति क्या होगा, तो आपको ये होगा 88.3 वाट होगा। 72 100 वाट के बल्ब द्वारा 3000 जूल को उपयोग करने में कितना समय लगेगा, तो 72 का ए होगा 30 सेकेंड लगेगा। 73 अगर देखिएगा तो कह रहा है, एक बिजली का बल्ब प्रति मिनट 3600 जूल ऊर्जा उपयोग में लाता है, उस बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो 73 का बी होगा 60 वाट होता है। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि एक जल पंप 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, टंकी में 10 सेकंड में 500 केजी पानी जमा कर सकता है, तो पंप की शक्ति क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर 5 किलोवाट आंसर आता है। बनाइएगा, नहीं बनेगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताया जाएगा। ये मोबाइल पर नहीं बनाने में बनेगा, इसलिए लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। 75 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 HP होता है, अर्थात 75 का बी होगा। 76 अगर क्वेश्चन देखेगा तो मीट्रिक प्रणाली में 1 HP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीट्रिक प्रणाली में IHP इक्वल टू होता है प्लान बाय 4500, अर्थात बी होगा 76 का बी। 77 अगर क्वेश्चन देखिएगा, एक न्यूटन का बल उसके लगाए स्थान से 1 मीटर की दूरी तक गति देता है, तो उपरोक्त कथन का एसआई इकाई क्या होगा, तो 77 का बी होगा जूल होगा। ठीक है, 78 अगर क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर को ही ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात 78 का बी होगा। 79 अगर क्वेश्चन देखिएगा तो सिलेंडर में उत्पन्न अश्व शक्ति को कहा जाता है, तो सिलेंडर में उत्पन्न अश्व शक्ति को IHP कहा जाता है, और फ्लाई व्हील पर उपयोग होने वाली अश्व शक्ति को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर BHP कहा जाता है, फ्लाई व्हील पर BHP ब्रेक हॉर्स पावर, और इंजन में इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है। अब आइए 81 देखिएगा, तो 81 में कह रहा है 1 सेकेंड में कार्य का सूत्र क्या होता है,
31 का बी होगा एफ आर इंटू टू पाई ए टू पाई एन 81 तक आपका हो गया। अब उसके बाद 82 अगर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है 50 ग्राम के बुलेट 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है तो गतिज ऊर्जा किलोमीटर में क्या होगा। 82 का डी होगा 250 होगा 250 मीटर होगा। अगर नहीं बनेगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको बताया जाएगा। अब उसके बाद 83 है बॉडी में उसकी किसके कारण विद्यमान ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। तो स्थिति के कारण, स्थान के कारण, वेग के कारण होगा 83 का सी होगा। 84 अगर क्वेश्चन देखिएगा बॉडी में उसकी किसके कारण विद्यमान ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कहलाता है, तो वह स्थिति के कारण कहलाता है। 84 का डी होगा। 85 अगर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है दो पिंडों के वेगों का अनुपात 1:4 है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। 85 का बी होगा 1:60 होता है अर्थात 1:16 होगा। 86 किसी एम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग यदि पी हो तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर आपको होता है पी एक्स वायर बाई टू एम, क्या होता है पी एक्स वायर बाई टू एम होगा अर्थात कह सकते हैं 86 का ए होगा। 87 क्वेश्चन कर रहा है किसी पिंड के संवेग का मान 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 87 का अगर आंसर देखिएगा तो सी होगा 125% बढ़ जाएगा। 88 देखिएगा तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में आपको 88 का ये देखिएगा गतिज ऊर्जा होता है अर्थात 88 का ये होगा। 89 कह रहा है यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी तो 89 का बी होगा 300% वृद्धि होगा। और 90 क्वेश्चन देखिएगा तो 375 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकालता है तो उसे मोटर की शक्ति क्या होगी। तो 19 का ए होगा 1 HP। सबसे पहले क्या करिए कि जैसे यह सेट हम पूरा डिस्कशन नहीं पढ़ाए, वर्क पावर एनर्जी एक सप्ताह का क्लास है, यह तो है कि आप किसी भी बुक से वर्क पावर एनर्जी पढ़ के और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न में आता है, क्या ऑप्शन आता है, कैसे चूज करना चाहिए, तो यह टेस्ट सीरीज के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं। PDF मंगा लीजिए, उसको बनाइए, YouTube पर जाके आंसर को मिलाइएगा, तब अपने आप को पता चलेगा। वर्क पावर एनर्जी में कुछ क्वेश्चन जान लेने से वर्क पावर एनर्जी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। अगर हमारे सेट में आप 90 नंबर लाते हैं तब आप मानिएगा कि वर्क पावर एनर्जी का आप तैयारी हो गया है। पहले वर्क पावर एनर्जी को बनाइए, उसके बाद आंसर को मिलाइएगा। अब उसके बाद 91 क्वेश्चन कह रहा है कि 125 केजी भार को 12.5 मीटर की ऊंचाई तक 5 मिनट में उठाने के लिए इंजन की HP में क्या होगा, हॉर्स पावर क्या होगा। तो आप इसको बनाइएगा तो 0.0694 आएगा अर्थात डी आएगा। उसके बाद 92 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए तो द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग कितना परसेंट वृद्धि होगा। तो 92 का ए होगा 20% वृद्धि होगा। 93 क्वेश्चन कह रहा है 93 क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा देख लीजिए कि एक न्यूटन का एक बल लगभग बराबर होता है तो एक न्यूटन का बल लगभग बराबर होता है किसके बराबर होता है। 102 ग्राम भार के बराबर होता है। 93 का ये होगा। 94 क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 94 में क्या कहा जा रहा है,
यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड का परिणामी ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 94 का सी होगा, 4:1 होगा। 95 अगर देखिएगा तो कह रहा है कि 373 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकालता है तो उस मोटर की शक्ति क्या होगा? 95 भी बनाइएगा तो ए होगा, 1 HP होगा। 96 क्वेश्चन कह रहा है 1 KG मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई पर उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो 96 का आंसर जो होता है वह बी होगा, 9.8 का होल स्क्वायर होगा, अर्थात बी होगा। 97 देखिएगा, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान होता है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगा? तो 97 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए होगा, हल्के पिंड का गतिज ऊर्जा अधिक होता है। 98 देखिएगा, तो एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? तो 98 का अगर देखिएगा सही में आंसर तो ए होगा, भारी पिंड का। 99 अगर देखिएगा तो कहता है एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। 99 का सी होगा। और 100 क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का अपने पिताजी के साथ पहाड़ की चोटी पर से गिर रहा है, जब दोनों आदमी जमीन की सतह से 25 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं तब पिता पुत्र का त्वरण समान होता है। 100 तक ही डिस्कशन करेंगे, अगला 100 तक आपको नेक्स्ट सेट में करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तब अगला सेट में डालूँगा, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। वर्क ऑन वर्क पावर एनर्जी से 200 ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वर्क पावर एनर्जी से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक बार बना के देखिए। लेकिन चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हम डाउनलोड करेंगे। ओके, बाय बाय।